हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईट गुड। तो आज हम लेकर आए हैं एक बंगाली टमाटर की चटनी की रेसिपी। इसमें हमने टमाटर और ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, ये बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। आप किसी भी फेस्टिवल्स में, पार्टीज़ में इसे बना सकते हैं। बच्चे बड़े सभी से बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाने में हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो हमने यहाँ 500 ग्राम टमाटर को ऐसे बड़े टुकड़ों में काटा है। 1/3 कप खजूर लिया है, इसका बीज निकाल के इसे बीज से काट कर रखा है। 1/3 कप आम का पापड़ लिया है, घर में बना हुआ, इसे भी हमने छोटे टुकड़ों में काट कर रखा है। 1/4 कप हमने किशमिश लिया है, 1/2 कप चीनी लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पाँचफोड़न लिया है और 2 सूखी मिर्च लिया है। तो इसे बनाने के लिए हमने एक पैन को गर्म करके उसमें 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होते ही उसमें सूखी मिर्च डालेंगे, थोड़ी देर इसे फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसमें 5 फोड़न डालेंगे और टमाटर को भी एक साथ डालेंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर हम हाई रखेंगे और नमक डालेंगे और हल्दी पाउडर। उसके बाद इसे मिक्स कर देंगे। तो अब इसे ढक देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इसे कुक होने देंगे। और बीच में इसे खोलकर एक एक बार चेक कर लेंगे, चला देंगे अच्छी तरह से। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसे ऐसे प्रेस कर देंगे हम। देखिए इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें काटा हुआ खजूर डालेंगे और आम का पापड़। आप चाहे तो दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। किशमिश भी हमने डाल दिया है और एक साथ इसे मिक्स कर देंगे। चीनी भी डाल देंगे। तो अब इसे फिर से ढक देंगे और 3 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं अगर आप इसे थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं, मगर हमने इसे ड्राई बनाया है तो हमने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया है। तो देखिए ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे डेजर्ट के पहले सर्व कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।